यूं तो यूपी के सातों सीटों के उपचुनाव में पहली बार मीडिया ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और एक्सीएम अखिलेश यादव को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। दो दो बड़े चुनाव हार चुके अखिलेश यादव के लिए मोदी योगी राज में भी रोज ऐसे ऐसे किस्से मीडिया बताता है कि मानो 2020 में ही अखिलेश यादव 2022 के सीएम बन चुके हों। कांग्रेस और बीएसपी से धोखा खा चुके अखिलेश के लिए मीडिया ऐसी आबोहवा बना रहा है कि मानो अखिलेश की जीत पक्की है। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सबके दिलों पर अखिलेश छाए हुए हैं। मीडिया के पलकों पर बैठे अखिलेश को फिर भी मीडिया पसंद नहीं आती, क्योंकि तारीफ करने वाली मीडिया कई बार तीखे सवाल भी दाग देती है जिसका जवाब अखिलेश के पास होता ही नहीं है, इसलिए वो सौदी का खीस कठौती पर उतार देते हैं। मिसाल के तौर पर सोमवार को लखनऊ में उन्नाव की सांसद रह चुकी अनु टंडन से जब मीडिया ने कांग्रेस से तल्ख होते रिश्तों पर सवाल दागने शुरू किए तो अखिलेश यादव बुरा मान गए, मीडिया को उसकी ड्यूटी बताने लग गए कि उसे किससे सवाल पूछना चाहिए। आप भी देखिए मीडिया का क्यों बुरा मान गए छोटे नेताजी। अरे तुम क्या कर रहे हो भाई, ऐसा है कि आप, अरे तुम्हें सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से के लिए, वो नहीं पूछ रहे हो? नहीं नहीं पूछने दीजिए, ऐसा है कि उन लोगों की इच्छा है कि वो लाइमलाइट में आए, उसके अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं करते, क्यों बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? अच्छा देखिए, एक ये देखिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, जागरूक हैं, आपको सरकार का पूछना चाहिए। ये जो सरकार है क्या कह रही है, भाषा मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप बताओ बेटी कहाँ सुरक्षित है? जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय जज थे उन्होंने तारीफ की थी 1090 की। कल मैं 1090 के बगल में से निकल रहा था तो 1090 बंद कर दी, एक नई झोपड़ी लगा दी है, दो मंजिला झोपड़ी। देखी आपने?